जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा इतिहास कंप्लीट हो चुका है, बस उसका मध्यकालीन इतिहास जो है वो छूटा हुआ है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मोर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। साथ ही बता दें कि हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आपको वो मिलेगा। सर्च करोगे गूगल पे अध्ययन केंद्र मास्टर वीडियो, उस चैनल पे आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे मास्टर वीडियो अब आपको मिलेंगे। तो आज जो हमारा एक्सरसाइज है, भारत का संवैधानिक इतिहास। अच्छा, एक और बता दे कि जैसे कोई कोई अगर इसमें BPSC या UPSC का मीन सोचे होगी कि तैयारी करना है, तो NCERT का बुक मैं स्टार्ट किया हूँ। हालाँकि उसके लिए आपको थोड़ा मीन्स मेहनत करना पड़ेगा। क्लास 8 के लिए मेरा अलग चैनल है, क्लास 9 के लिए अलग है, क्लास 10 के लिए अलग है। तो हर जगह पे अभी NCERT का बुक हम चला रहे हैं, तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, SST हो, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी चैनल पे NCERT का कम से कम हिस्ट्री या फिर पॉलिटी ये सब डाल दें, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 10th तक का तो नहीं, 11th 12th का इस पे डाल दें, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। ओके, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, B.R. अंबेडकर मीन्स भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था, इसका मुख्य प्रावधान क्या था? इसमें मेनली रूप से हुआ था कि हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाना। फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। पूना समझौता में कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता हुआ कब था? तो 1932 में हुआ था। इसमें किस मुद्दे पर बात किया गया था? ताकि हरिजनों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए। ओके, ये 3-4 प्रश्न इससे बनते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा यहाँ से। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको सुमेलित करना है। ओके, एक तरफ दिया गया है ये मीन्स कोई विभाजन या कोई इवेंट, और ये कब हुआ था इसमें सुमेलित करना होता है। तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये पूना समझौता के टाइम ही हुआ था 1932 में। ओके, सर्वदलीय सम्मेलन ये हुआ था साइमन कमीशन के टाइम में 1928 में। सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज की संकल्पना, पूर्ण स्वराज की संकल्पना ये अगर याद हो तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। ओके, और बच गया आपका ये 1905, इस टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोगों को याद होगा, अगर साइंस का सारा मीन्स अगर आप तो देखे होगे ऑब्जेक्टिव, तो आप लोगों को याद होगा ये सब। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, इसी टाइम में अभी पूना पैक्ट हुआ था, पढ़े अभी। सर्वदलीय सम्मेलन ये हुआ था 1928, जिस टाइम साइमन कमीशन आया था। पूर्ण स्वराज की संकल्पना ये किया गया था 1929 लाहौर अधिवेशन में, और लाहौर अधिवेशन में जो हुआ था कांग्रेस का, उस टाइम में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया? ये किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1961। फिर से रिपीट करता हूँ, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। ओके, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। देखो धीरे धीरे पढ़ो, शांति से पढ़ो, पूरा समझ में आएगा। फास्ट के चक्कर में क्या होता है कि बहुत प्रश्न आपको याद ही नहीं हो पाता है। ओके, तो चलो आगे। यहाँ पे दिया गया है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। ओके, तो अगस्त घोषणा ये किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था, जबकि अगस्त प्रस्ताव किनके द्वारा किया गया था? अगस्त प्रस्ताव किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प कब किया गया था? अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें थोड़ा बहुत और जान लो, अगस्त घोषणा कब हुआ था? 1940 में। ओके, प्रस्ताव भी यही हो गया, अगस्त संकल्प हुआ था 1942 में।
आप 1940-42 के आसपास में इस समय आप टिक कर दोगे तो ऑप्शन में आपको लंबा लंबा ऑप्शन मिलेगा, जैसे 1917 दे देगा, ऐसा ऐसा ऑप्शन मिलेगा। इसके नज़दीक का ऑप्शन नहीं देगा तो 1940 या 42 पे अपना टिक कर लेना। हालांकि अगस्त संकल्प हुआ था 1942 में और अगस्त प्रस्ताव ये हुआ था 1940 में। आगे जो हमारा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था वो किस चार्टर एक्ट या किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुआ था? तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के अंतर्गत हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था, लेकिन उसका स्थापना 1974 में हुआ था, याद रखना 1974 में हुआ था कोलकाता में। और इसके जो पहले मीन्स न्यायाधीश होते हैं वो कौन थे? सर एजिला इम्पे। आप बस इम्पे याद रखो, सर एजिला इम्पे। ओके, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ये मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी गवर्नर जनरल था उसको अपनी समिति के निर्णय को मीन्स मना कर सकता था। कोई अगर समिति कोई निर्णय लाके देगा उसको वो डिक्लाइन कर सकता था, मना कर सकता था, डिनाई कर सकता था। यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है? अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। ओके, संशोधन जैसे किसी भी वस्तु या कोई भी नियम है, जैसे मान लो आपके घर का नियम है कि रात को 10 बजे आपको अपने घर आना है, ठीक ना, लेकिन फिर सब आदमी बैठ के बोले नहीं रात का 10 काफ़ी अधिक हो जाता है, कल से 9 बजे के बाद कोई घर नहीं आएगा, 9 बजे से पहले आ जाएगा। इस नियम में क्या हुआ? चेंज हुआ, संशोधन हुआ, तो उसी को इंग्लिश में कहा जाता है अमेंडमेंट। चलो एक प्रश्न संविधान से ही पूछते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन मीन्स 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब हुआ था? ओके, हिंट के लिए बता दें कि एक टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर था वो था मुरारजी देसाई और दूसरे टाइम में इंदिरा गांधी था। ओके, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब हुआ था। चलो अब प्रश्न पे आते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1858 में, क्योंकि इसी वर्ष 1858 में ही जो कंपनी का भारत पे शासन चल रहा था उसको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया गया। मतलब पर यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा, यहाँ पे लिखा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी मीन्स महारानी कब घोषित किया गया? 1858 में वो शासन संभालने लगी, लेकिन रानी घोषित किया गया 1876। कहीं कहीं आपको 1877 भी मिलेगा। ओके, गूगल पे 1877 है, बुक में 76 है, तो 76 या 77 जो भी आपके ऑप्शन में आए उसके अकॉर्डिंग आप टिक करना। ओके, लेकिन कंपनी के अधिकार से उस पर महारानी का अधिकार कब हो गया? 1858 में, ये भी याद रखना। आगे हमारा साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? आश्वासन में ये जो पूरा हुआ, देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, मीन्स रजवाड़ों का पोस्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझना कि ये जो घोषणा अभी कह रहा था वो क्या था? महारानी की घोषणा या महारानी का पत्र कहा जाता है। ओके, महारानी का पत्र उसे कहा जाता है, और ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था 1958 में। कहाँ पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ा था, हालांकि अब ये क्या है, प्रयागराज, तो वो इलाहाबाद में पढ़ा गया। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि महारानी का पत्र कहाँ पढ़ा गया था, तो इलाहाबाद में महारानी का पत्र किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और वहीं पे जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था वो क्या हो गया? वायसराय में तब्दील हो गया। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग होंगे। आगे प्रश्न पे देखो, मार्ले मिंटो या मिंटे मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए, मार्ले मिंटो सुधार आया कब था? 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। आगे प्रश्न है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो अभी पढ़े थे 1909 में, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो अभी हम पढ़े हैं कि 1909 ईस्वी में क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। तो
इसमें पृथक मतलब जातिवाद के ही आधार पर हुआ था, मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। तो ये आया था 1919 मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। इस प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं, मुसलमानों के लिए आरक्षित निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी की बात की गई थी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मीन्स मेन जो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसका मेन क्या था कि प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। ये आया कब था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार? 1919 में। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लो, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रांतों में दोहरा शासन लाया, जबकि 1909 में जो चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसमें क्या था, मीन्स पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं कर लेना, दोनों नाम मिलता जुलता है। आगे प्रश्न है हमारा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा उसका मेंबर नहीं था? तो ये नहीं था लॉर्ड एमरी, जबकि उसके 3 मंत्रियों का जो गठन हुआ था उसमें कौन कौन सा था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। ये 1946 में जो कैबिनेट मिशन बना था उसके 3 मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा यहाँ पे गलत दिया गया है? तो इसमें प्रांतीय समूहीकरण हुआ था, ये सही है। प्रांतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति, ये गलत है इसमें, ओके। और संविधान निर्माण का अधिकार, ये 3 मेन इंपोर्टेंट है, याद रख लो, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं हुआ था। आगे प्रश्न पे आते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है और मैंने कई बार रिपीट भी किया है इसको, कि भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 1950 में। तो ये जो 3 साल का टाइम पीरियड था इसमें जो शासन चला वो नियम कानून कहाँ से आया था? वो था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार, 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इतना दिन तक शासन चला था। और हमारे भारतीय संविधान का सबसे अधिक जो डाटा है वो कहाँ से लिया गया है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। कितना लिया गया है? 2/3, अप्रोक्स कह सकते हैं हम 70% के आसपास, ओके, मीन्स 66% अगर एडजेक्ट बोलो तो, पर 70% के आसपास भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आगे जो हमारा प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से की जानी थी? यह किया जाना था माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब एक यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा? तो साइमन कमीशन क्या आया था, एक मीन्स कमिटी टीम थी जो भारत के लिए नियम बनाता, ये आया था 1928 ईस्वी में, ओके। तो भारत विभाजन ऐसा कोई टारगेट नहीं था इसका, ये गलत हो जाएगा। जबकि क्या सब सही है, तो मार्ले मिंटो सुधार आया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, ओके, ये सही है, 1909 में आया था जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन, ये भी यहाँ सही है। और कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये 3 कथन सही है, एक कथन ये गलत हुआ, साइमन कमीशन वाला। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। देखो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते जाओ ताकि अधिक लोगों तक पहुँच सके, ओके। तो चलो आगे, 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ये दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत क्या हुआ था, तो हम उसमें अभी पढ़े थे कि इसमें प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया था? 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत समन्वयता लाया गया था, समन्वयता, प्रांतीय समन्वयता। मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मीन सांप्रदायिक जाति के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक निर्वाचन, ओके। भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत क्या हुआ था? इसमें सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, सती प्रथा का अंत।
भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। और फिर अधिनियम 1858 जो था इसमें ब्रिटिश शासन की शक्ति आया, कंपनी का शक्ति खत्म हुआ और ब्रिटिश शासन का शक्ति आया। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि सारे टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है। हालांकि याद हो गया होगा आप लोगों को, अब भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, मार्लेमिंटो सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत किसने किया, मीन्स किनका योगदान माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का, ओके। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था कब, 1828 में, ओके। आगे है अधिनियम 1858, इसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, क्लियर। आगे प्रश्न पे आते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ये कब किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित कब किया गया था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली 1919 में। बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, अब तो आप लोगों को पूरा टिप्स पे याद हो गया होगा, ओके। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग क्या करना, कमेंट में जो सब जैसे इंपोर्टेंट अभी हम टर्म पढ़े हैं कि 1919, 1958, 1909, 1929, 1928, इस समय क्या सब हुआ था, 1961, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ऐसे इस भी लिख लेना और ये किसमें मीन से इस भी में क्या हुआ था, क्योंकि जब आप कमेंट में लिखते हो ना खुद से तब आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आगे प्रश्न है हमारा 22 नंबर, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था, इसमें संघीय प्रणाली की बात की जा रही है, तो किसमें हुआ था, स्वशासन, मतलब 1935 की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, भारत सरकार अधिनियम। हालांकि जब भी आए तब संभवतः आपका 1935 ही आंसर बनता है, जैसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता तो 1919 करते, मार्लेमिंटो आता तो 1909 पे टिक करते। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वयंवेत्ता थी, तो अभी रिपीट किया 1935 में क्या था, प्रांतीय स्वयंवेत्ता। आप अगर लिखोगे कमेंट में तो प्रांतीय स्वयंवेत्ता तो लिखना ही, भारत सरकार अधिनियम भी लिखना क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत बनाया गया था। फिर से रिपीट करो, एक प्रश्न ऐसे आएगा या फिर इस लाइन को याद कर लो, 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में सचिव के पद का सृजन किया गया, सचिव के पद का सृजन 1858 में किया गया, ओके। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई, ये दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, मतलब यही कि मीन्स सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन दिया गया था, जाति के आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियां किसे दी गई, ये दिया गया गवर्नर जनरल को, सबसे अधिक शक्ति गवर्नर जनरल को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहां आपका सही है। तो टोटल 26 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट किया। देखो वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है या छोटा बन रहा है उस पर अधिक नहीं जाना, जितना समझ रहे हो समझ में आ रहा है वो आपके लिए काफ़ी है, ओके, इस पर ध्यान देना है। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करना, अगर आप लोगों को कोई त्रुटि हो, पसंद ना आ रहा हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना कि थोड़ा मॉडिफाई कर पाए। और हाँ, अगर शेयर नहीं किया होगा तो जरूर शेयर कर देना, जहाँ भी हो, चाहे व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, हर जगह शेयर कर दो ताकि अधिक लोगों तक पहुँच सके, ताकि मैं भी थोड़ा फास्ट में कंप्लीट कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।